विंडोज 11 इज हियर। विंडोज 11 है पाना तो सब्सक्राइब करना कहीं भूल ना जाना, लॉट लाइक भी। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने विंडोज 11 को अपने पीसी लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, और साथ ही साथ कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है TDM 2.0 इज नॉट अवेलेबल ऑन योर डिवाइस एंड फलाना फलाना कुछ भी दिखा देता है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, और साथ ही साथ इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है कि विंडोज 11 को आपके पीसी चलने में। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, एक एक स्टेप देखो, क्योंकि एक भी स्टेप मिस करोगे तो विंडोज 11 का नुकसान आपको हो जाएगा और साथ ही साथ आपका डाटा भी लॉस्ट हो सकता है। तो वॉच वीडियो केयरफुली। सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। देखा वीडियो तो लौंडे देख लिया लास्ट तक, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे कंप्यूटर में चलने वाली नहीं है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो विंडोज़ की ISO फाइल आपको डाउनलोड करनी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, 4GB की 5GB फाइल बीच में होगी। तो इसको इंस्टॉल करना हो खाली बहुत ज़्यादा सिंपल है, खाली आप लिंक पे एक बार क्लिक करोगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इतनी सरल आसान लिंक दी है क्योंकि आलसियों का काम यही है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की, मतलब मेन सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। 1.2 GHz का सिंगल कोर प्रोसेसर चाहिए आपको अगर 32 बिट की इंस्टॉल करनी है, और 1.4 GHz का सिंगल कोर प्रोसेसर चाहिए अगर आपको 64 बिट की विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। तो रैम की बात कर लेते हैं, आपको इसमें 2GB से ज़्यादा ही रैम चाहिए। अगर आपकी 1GB है तो भाई रहन दो, तो भाई विंडोज 7 या विंडोज 8 में जीवित रहो। और इसकी हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं, कैपेसिटी कितनी लेगा, तो इसमें आपको 15GB मिनिमम स्पेस चाहिए। और बस इतना ही था। तो बात करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ इंस्टॉल करने के दो टाइप होते हैं, पहला होता है बूट मेथड, दूसरा होता है सेटअप इंस्टॉलेशन। तो बूट मेथड अगर आपको जानना है तो भाई यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आने वाला हूँ सिंपल सेटअप इंस्टॉलेशन। तो भाई इसमें सेटअप इंस्टॉलेशन में खाली जिनके में ऑलरेडी विंडो पड़ी होती है उनके में काम आता है, और बूट मेथड जिनके विंडोज़ नहीं पड़ी होती, फ्रेश विंडो डालनी होती है, उनके में बूट मेथड काम आता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड करनी है, विंडो के ISO फाइल को फिर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वहाँ पे आपको 5, 6, 7, 8 फोल्डर मिल जाएंगे और साथ एक सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप सेटअप खोलेंगे थोड़ी देर प्रिपरेशन का टाइम लेगा, फिर चेकिंग फॉर अपडेट। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम दिखा दे ऐसी टाइप की TDM 2.0 या फिर बूट वर्जन फलाना फलाना कुछ दिखा दे, तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, घबराना नहीं है। तो वहाँ से एक फाइल डाउनलोड कर लेनी है, DLL फाइल होगी, फिर उसको उठा के आपको सोर्स के फोल्डर में डाल देना है, जो आपने एक्सट्रैक्ट करा है उसमें एक सोर्स फोल्डर बन जाता है, तो उसमें रिप्लेस कर देंगे फाइल को, फिर आपका काम हो जाएगा, फिर विंडोज़ इंस्टॉल होने लगेगी। अगर आप चाहते हैं मेरी पुरानी फाइल से एप्लीकेशन वापस ही रहे, कोई मिटे ना, तो एक ऑप्शन होता है इंस्टॉल करते टाइम आपको दिखेगा वहाँ पे, कीप माय फाइल्स एंड एप्लीकेशन पे टिक लगा देंगे, तो आपकी कोई फाइल्स नहीं जाने वाली ना कोई एप्लीकेशन जाने वाला है। सो फाइनली 1 से 1.5 घंटे बाद हमारी विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुकी है। तो ओवरव्यू कुछ इस टाइप का है विंडोज 11 का, आप देख सकते हैं स्टार्ट मेन्यू आपको बीचों बीच मिल जाता है, आइकन देखने को चेंज मिल जाते हैं, और भी बहुत कुछ। ओवरव्यू की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोटे बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को चेंज बिल्कुल मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको उसमें माई कंप्यूटर के अंदर आप जाएंगे तो उसमें आइकन देखने को चेंज मिल जाएंगे। और आपको कंफर्म करना है कि विंडोज़ 11 ही, तो भाई आपको मैं सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ, तो ये विंडोज़ 11 ही है। तो ये देखो भाई विंडोज़ 11 सिंगल लैंग्वेज है, और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन डेट भी आपको दिखाई देता हूँ। तो भाई आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।